टाटा मोटर्स यूनियन ऑफिस में सोमवार को यूनियन ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों ने यूनियन महामंत्री को उनके कमरे में बंद कर दिया। मामला उनके लंबित वेतन को लेकर था। वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने हालात से तंग आकर ऐसा कदम उठाया। टाटा मोटर्स यूनियन के लिए आज काला दिन साबित हुआ। टाटा मोटर्स यूनियन ऑफिस में काम करने वाले 3 कर्मचारियों का वेतन काफी समय से लंबित है। महामंत्री प्रकाश विश्वकर्मा से इन लोगों ने गुहार तो लगाई, पर मामला सिफर ही निकला। हालात से तंग आकर कर्मचारियों ने यूनियन के अन्य पदाधिकारियों को कमरे से बाहर निकालकर महामंत्री को ही कमरे में लॉक कर दिया। कर्मचारियों से हमारे संवाददाता ने बात की। लेकिन ये सच्चाई है ना कि यूनियन के पास 9.5 लाख रुपया अकाउंट में है? वर्तमान में 9.5 लाख रुपया अकाउंट में है और सारी तैयारी कोषाध्यक्ष होने के नाते हम कर चुके हैं। केवल महामंत्री का साइन होगा और लेबर का पेमेंट हो जाएगा। उतना ही नहीं, चुनाव के समय जो लोग जमा किए थे राशि, यदि उस पर विचार होता है कि वापस करना है तो वो भी हो सकता है। इतना पैसा अभी है अकाउंट में, लेकिन ये किस उधेर गुण में, ये कौन सा पॉलिसी है, ये समझ में नहीं आ रहा। 7 महीना से हम लोग टाल मटोल कर रहे हैं, केवल नाम लेते हैं कि केस हो गया है। केस हो गया है तो यदि अकाउंट पे केस हुआ है तो सिस्टम यह है कि कोर्ट आदेश देगी कि इससे निकासी नहीं होना चाहिए, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे। लेकिन आज मेरे पास पैसा है और हम जो 6,000-6,500 लेबर पेमेंट है वो नहीं कर रहे हैं, तो ये तो महामंत्री की तैयारी की कमी है। मैं पूरी तैयारी कर चुका हूँ, केवल महामंत्री का साइन होगा और पेमेंट होगा, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। वही महामंत्री की माने तो अकाउंट में पैसा तो है पर हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। महीना से स्टाफ लोग का, यूनियन कार्यालय का स्टाफ लोग का पेमेंट नहीं हुआ है, तो जो हिसाब किताब जो हमारे पुराने यूनियन वाले दे के गए हैं चंद्रभान सिंह, तो अध्यक्ष और विश्वकर्मा जो भी हिसाब किताब लिए हैं, तो हिसाब किताब लेने के बाद स्टाफ पेमेंट इन लोगों को करना चाहिए था, जो आज तक नहीं हो पाया। तो बोले कि मेरा पेमेंट जो है क्लियर कीजिए, तो उसी पे 2-4-5 हाथ उन लोग खींच दिए, चाबी भी छीन लिए, बस यही। उसमें तो घोटाला हो चुका है ना, हाई कोर्ट का जज का, चीफ जस्टिस का ऑर्डर था कि 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं, पुराने जो यूनियन थे चंद्रभान सिंह खर्च नहीं कर सकते हैं। और उसमें से हारने के बाद कम से कम 25 लाख रुपया 15 दिन तक निकालते रह गए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 11 लाख। मामले की नजाकत को देखते हुए पुलिस को भी सूचित किया गया, पर टेलको थाने का कहना था ये यूनियन का निजी मामला है तो उन्हें ही निपटा लेना चाहिए। काफी मान मनोबल के बाद कर्मचारी माने, पर उन्हें मनाने में काफी वक्त लग गया। इस दौरान भारी गहमागहमी बनी रही। 7 महीने का पेमेंट नहीं मिला है, ये है आज क्या हुआ था? आज वो पेमेंट के लिए बंद किया था, पेमेंट दीजिए तब खोलेंगे। हम लोग तो पहले भी दे चुके हैं पेपर में कि किसी तरह का, जब तक हम लोगों को 7 महीना का पेमेंट नहीं क्लियर होता है तब तक हम लोग किसी तरह का मीटिंग नहीं करने देंगे। आज हमको मालूम हुआ कि मीटिंग होगा, इसलिए 11 बजे हम ताला लगाए। हम लोग का बाल बच्चा कैसे जी रहा है ये नहीं किसी को मालूम है। कितने महीने से बताया वेतन आपको? कितने महीने से वेतन बताया? अगस्त 2015 से अभी तक का वेतन बाकी है। तालाबंदी आप लोग स्वेच्छा से किए हैं? अपना स्वेच्छा से किए, किसी के दबाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं। क्या नाम हुआ आपका? वही दूसरी ओर सूचना के अनुसार चंद्रभान सिंह और वर्तमान अध्यक्ष अमलेश रजक ने हाथ मिला लिया है। चारों ओर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। यूनियन के ही कर्मचारियों ने यूनियन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज तो कर्मचारियों को किसी तरह समझा बुझाकर यूनियन महामंत्री को मुक्त कराया गया। आगे आने वाले दिनों में ये मामला क्या रंग दिखाता है ये तो भविष्य के गर्भ में है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य धाम मंदिर में राज्य के मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की। इस दौरान पूजा स्थल पर भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। शिवरात्रि के पावन अवसर पर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर को सजाया गया था। सुबह से ही मुख्यमंत्री रघुवर दास सूर्य मंदिर पहुंचे और विधिवत भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम यहाँ था।
पूजा समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए शहर वासियों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं दी। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारी बिन कुछ भी न होता है। भोले शंभु पधारो, हे गौरी शंकर पधारो, किसने रोका वहां आओ। भस्म रमैया सबको तज के यहाँ आओ, भस्म रमैया सबको तज के यहाँ है। भोले